हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है ईएसआईसी एसएसओ रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। ईएसआईसी के बारे में आप जानते होंगे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर एसएसओ मतलब सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। फिर जबरदस्त वैकेंसी है और इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद जबरदस्त सैलरी आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एकदम बेस्ट वैकेंसी रहेगी। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाने वाला हूं, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्या मांगा गया है वो भी आपको बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस डिटेल से समझने वाले हैं। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर क्या होंगे, जॉब प्रोफाइल आपकी इसमें क्या रहने वाली है, सभी डिटेल्स कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो यार वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं, वे टू सक्सेस की दोनों ही जनरल अवेयरनेस की बुक का हिंदी और इंग्लिश एडिशन अवेलेबल हो चुका है, नए स्टॉक फ्लिपकार्ट के ऊपर लग चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके अपने घर पर अवेलेबल करा लीजिए। फाइनली भाई, बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता चुका हूं, ईएसआईसी बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, इसी के अंदर सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की ये पोस्ट निकली है। पोस्ट अपने आप में खतरनाक है, सैलरी बढ़िया आपको मिलेगी और ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, और क्या चाहिए। फाइनली बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 93 निकली हुई है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, फॉर्म इसके ऑलरेडी 12th ऑफ मार्च 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 12th अप्रैल 2022 रहने वाली है। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में, जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 500 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, वहीं पर एसटी एससी कैटेगरी वालों के लिए 250 फॉर्म फीस यहां पर चार्ज किए गए हैं। फाइनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले एज लिमिट देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 ईयर रखी गई है, जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर रखी गई है, और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन फॉर्म की लास्ट डेट मतलब 12th ऑफ अप्रैल 2022 तक कैलकुलेट होगी। ओबीसी एससी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, ओबीसी वालों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वहीं पर एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी काफी अच्छा खासा एज में रिलैक्सेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिएगा। फाइनली बढ़ते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ, जिसको लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं, तो चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर फ्रेंड्स आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और जो ऑफिस सूट है उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, मतलब एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट को भी आप चलाना जानते हो, बाकी कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह इसमें नहीं चाहिए, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, आप आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। स्किल टेस्ट मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप ये बेसिक नॉलेज ले सकते हो। बाकी काफी सारे लोग का डाउट बन रहा था कि भैया इसमें कोई 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर नहीं, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए। हाँ, नोटिफिकेशन में एक पॉइंट देकर लिखा हुआ है, लेकिन वो केवल डिजायरेबल एक्सपीरियंस है। बाकी जिन लोगों ने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है ग्रेजुएशन के नाम पे, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बढ़ते हैं भाई इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस-किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। फर्स्ट स्टेज में आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, डिटेल से समझाऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका मेंस एग्जाम होगा 200 मार्क्स का, डिटेल से समझाऊंगा। थर्ड स्टेज में आपका एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होने वाला है, इसके बारे में बताऊंगा। उसी दिन आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि पेपर एंड पेन मोड, जिसमें आपको लेटर और एसे लिखना होता है, ये भी बताऊंगा। तो चलिए एक बार एक एक स्टेज के बारे में डिटेल से समझते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम जो कि फेज 1 में होगा, वो 3 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट या फिर सेक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के अंदर ही आएंगे। रीजनिंग सेक्शन से आपके टोटल 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के अंदर ही, वहीं पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के अंदर ही। इसी के अकॉर्डिंग टोटल क्वेश्चन पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के अंदर ही होंगे।
हर एक सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट टाइम ड्यूरेशन होने वाली है, यानी कि क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट मतलब एक घंटा हो जाता है। क्वेश्चन पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। प्रीलिमिनरी एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल सिलेक्शन को इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब फाइनल कट ऑफ में ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे। क्लियर है? ये केवल डिसाइड करेंगे कि आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुए हो या फिर नहीं। प्रीलिमिनरी एग्जाम के बाद मेंस एग्जाम के लिए जो टोटल स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 10 टाइम्स मतलब 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग एक क्वालिफाइंग कट ऑफ बनाई जाएगी। फाइनली बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, जिसमें आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम टोटल 4 सेक्शन मतलब 4 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन में रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन 60 मार्क्स के अंदर। साथ ही इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 35 मिनट्स होंगे। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल इकोनॉमिक फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जिससे टोटल 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के अंदर ही, लेकिन ये सेक्शन आपका 20 मिनट्स का होने वाला है। थर्ड सेक्शन में हमारा इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 30 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन 40 मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे और 30 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास होंगी। फोर्थ सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 60 मार्क्स के अंदर ही इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 35 मिनट्स होंगी। इसी के अकॉर्डिंग मेंस एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, कितने 150 मतलब 150, और मार्किंग कितनी हो गई टोटल 200 मार्क्स हो गई। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है। क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी हो गई 2 आवर हो गई। और मेंस एग्जाम के बाद जो स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा वो वैकेंसी के 5 टाइम्स मतलब 5 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, और मेंस एग्जाम के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन मेंस एग्जाम के मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। फाइनली बात कर लेते हैं फेज थर्ड मतलब स्टेज थर्ड के बारे में, जिसमें आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, साथ ही आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट के बारे में, जो कि 3 डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है कि आपको एमएस पावरपॉइंट की 2 स्लाइड बना के दिखानी होगी, इसके लिए आपको 10 मार्क दिए जाएंगे। साथ ही आपको एमएस वर्ड के ऊपर टाइपिंग मटेरियल दिया जाएगा जो कि आपको फॉर्मेट करके दिखाना होगा, इसके लिए भी आपको टोटल 20 मार्क्स दिए जाएंगे। थर्ड सेक्शन में आपको एमएस एक्सेल की स्लाइड बना के दिखानी होगी, आपको बेसिक फॉर्मूले भी यूज करके दिखाने होंगे, इसके लिए भी आपको टोटल 20 मार्क्स दिए जाएंगे। जो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा इसकी टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट्स रहने वाली है, मतलब ये सारा काम आपको आधे घंटे में करना है, और जो टोटल मार्किंग होगी आपकी वो 50 मार्क्स का होने वाला है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब फाइनल सिलेक्शन में इन मार्क्स का कोई भी रोल नहीं होगा, यहीं पर डिसाइड हो जाएगा कि आप क्वालिफाई हो गए हो या फिर नहीं। इसी के साथ साथ आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होने वाला है, मतलब पेपर और पेन मोड, जिसमें आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है, जिसमें आपको लेटर और एसे लिखकर दिखाने होते हैं, यही 2 क्वेश्चन होंगे। 30 मिनट के अंदर आपको ये काम करके दिखाना होगा। 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर भी क्वालिफाइंग नेचर है, ये 50 मार्क्स भी फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे, केवल क्वालिफाइंग आप हुए हो फाइनल सिलेक्शन के लिए वही केवल ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो केवल क्वालिफाइंग नेचर है स्टेज थर्ड मतलब फेज थर्ड। बात आती है फाइनल सिलेक्शन की, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। मेंस एग्जाम 200 मार्क्स का था, तो 200 मार्क्स में से एक फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका ESIC डिपार्टमेंट के अंदर सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि भैया जो ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट है इसको हम कैसे सीख सकते हैं घर पर ही। भाई आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब खोलिए और आज ही एमएस वर्ड का बेसिक सीखना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत सारे लेक्चर क्लासेस मिल जाएंगी। पावर पॉइंट का बेसिक सीखना शुरू कर दीजिए, साथ ही एक्सेल का बेसिक सीखना शुरू कर दीजिए। अगर कोई भी फिर भी कमी लगती है तो अपने आसपास कोई साइबर कैफे ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, वहां से कंप्यूटर की नॉलेज ले लीजिए। बेसिक है, बहुत ईजी, आप कर लोगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। इस पोस्ट के ऊपर सैलरी आपकी जो होगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस वो 56,000 मतलब
56,000 के आसपास सैलरी रहेगी आफ्टर 7th पे कमीशन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर ऑल डिडक्शन। क्लियर है, सैलरी बड़ी जबरदस्त है। फाइनल फाइनल सैलरी जो आपकी हो जाएगी, यानी कि हर साल जो आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, उसके बाद आपकी लगभग 1,54,000 से भी ज्यादा सैलरी हो जाएगी आफ्टर 7th पे कमीशन। बात करते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में, तो ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर आपको सिलेक्ट इसके एग्जाम सेंटर्स मिल जाएंगे। काफी चांसेस है कि आपको अपने शहर में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाए। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन पोस्टिंग लोकेशन रह सकती है। साथ ही ESIC के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज सब ऑफिसेज हैं जहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो काफी चांसेस है कि आपको अपने स्टेट के अंदर, आपको अपने शहर के अंदर भी जॉब लोकेशन मिल जाए। फाइनली बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। पोस्ट आपकी ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है, साथ ही आपका इसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी हो रहा है। तो ऑब्वियसली सिलेक्शन होने के बाद आपको हमेशा कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा, आपको डेटा मैनेज वगैरह का काम करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर ऑफिसर लेवल के कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। तो फील्ड ड्यूटी वगैरह इसमें आपको कोई खास देखने को नहीं मिलेगी। तो अपने आप में बढ़िया पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है, मजा आ जाएगा। ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और एग्जाम को आप ऐसे क्रैक कर लोगे। तो भाई बढ़िया पोस्ट निकली है, काफी यूनिक पोस्ट निकली है। काफी टाइम के बाद अगर आपको वैकेंसी पसंद है, आप एलिजिबल है, तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और मेहनत शुरू कर दीजिए, सिलेक्शन आपका गारंटेडली होगा। तो अगर आपका अब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, वरना इंस्टाग्राम के ऊपर आपको सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए हो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों आप शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।